बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइकोलॉजी टीचर 101। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 12, नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में कि किस तरह जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। अब जो हमारा माइंड है, इसमें ब्रेन है, उसमें दो बेसिकली चीज़ें आ जाती हैं, टू पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं और केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन में हमारी जितनी भी लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन्स, गवर्नमेंट, चाइल्ड रिलेशन प्रैक्टिसेस, ये तमाम चीज़ें हम जो है कल्चर से देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल जो बेसिस है बिहेवियर की, उसमें आ जाती हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वो कंट्रोल कर रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन के फंक्शंस को, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स को, हमारे नर्व सेल्स को, और मेंटेन करता है जितना भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का और नर्वस सिस्टम का। यानी जैसे आपने किसी आग वगैरह को, इस तरह आपका अचानक हाथ लगा है तो आप अचानक उसे खींचते हैं, ये हमारा नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन है हमारी फंक्शनिंग के साथ, ठीक है। आगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन कौन से हैं, जो नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स हैं, अब नर्व इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जिसकी स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। यानी हर सेकंड में जो है नर्व इम्पल्स वो बहुत ज़्यादा अलोंग नर्व्स जो है वो पास कर रही होती है, ठीक है, एवरी सेकेंड। आगे देखें इसकी जो लाइन साइड है वो, इसका साइज है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। न्यूरॉन की जब देख लेते हैं हम डिटेल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। डेंड्राइट्स इसमें आ जाते हैं सबसे पहले, इसमें डायग्राम में भी देखिए आप, ये जो आपको नज़र आ रही साइडों पे, ये जड़ों की तरह ये डेंड्राइट्स हैं इसके। ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं बॉडी की तरफ से, वो तमाम सिग्नल्स को ये रिसीव करेंगे। नेक्स्ट ये सोमा सेल आ जाते हैं। सोमा जो है कि सेल बॉडी है जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये जो हमें अंदर से रेड से नज़र आ रही है, ये तमाम ये चीज़ें सोमा के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आगे एक्सोन, एक्सोन ये एक तने की तरह है। इसमें क्या होता है, ये एक्सटेंडेड फाइबर्स हैं एक्सोन जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करती हैं बॉडी से, ठीक है, ट्रैवल करके ये इसको सोमा के अंदर लेके जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल बटन्स, ये क्या है, ये स्वोलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सोन के एंड पे मौजूद हैं, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें कनेक्शंस क्या है, जो साइनैप्स है, ये गैप है एक न्यूरोन का दूसरे न्यूरोन तक, ठीक है। साइनैप्टिक ट्रांसमिशन क्या है, जब उस गैप से वो गुजरेंगी न्यूरॉन्स, ठीक है, वो उसकी सिनैप्टिक ट्रांसमिशन होगी। और न्यूरो ट्रांसमिशन क्या, जो सिनैप्टिक न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट करेगा केमिकल मैसेज को रिलीज करके न्यूरॉन की तरफ, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे। अब हम देखेंगे केमिकल मैसेज क्या है, ठीक है। पहले देखेंगे एक्साइटरी मैसेज, देन इनहिबिटरी मैसेज। एक्साइटरी मैसेज क्या है, जो कि मेक करते हैं इंसान को, रिसीव करते हैं, जैसे कि विल फायर ऑन द एक्शन, आपने अगर मतलब अचानक कोई चीज़ को छुआ है तो वो आपको एक्साइट करेंगे इसको फ़ौरन हटाने को, ठीक है। और इनहिबिटरी क्या है, आप उससे दोबारा, आप डो नॉट ट्रैवल एक्सोन, जो कि रोकते हैं उसको, इनहिबिट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। मेजर वेराइटीज़ इसमें क्या क्या जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको हम बोलते हैं एफेरेंट, और मोटर न्यूरॉन्स जो कि ईफेरेंट है। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है, वो कैरी करती हैं मैसेज को टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि ईफेरेंट जो है वो अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो इंटर हैं वो क्या करेंगी, दोनों को कनेक्ट करेंगी, ठीक है, रिलाय हैं दोनों के दरमियान, मैसेज के दरमियान, एक पुल की तरह। अब मेन पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं, सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, सोमैटिक डिवीजन जितनी भी है इसकी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें आ जाता है, यानी SNS। और जो न्यूरो ऑटोनोमिक डिवीजन है उसमें आ जाता है NANS, ठीक है। सोमैटिक डिवीजन में क्या क्या है, ये कंट्रोल करते हैं जितने भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं स्केलेटन मसल के, वॉलंटरी जिन जो हमारे कंट्रोल में, जो ऑटोनोमिक हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी जैसे हमारा चलना फिरना, हमारा हाथ को हलाना, हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी जो खुद ब खुद हमारे हार्ट है, हमारे लंग्स जो काम करें, ग्लैंड्स जो काम करें, वो हम नहीं करें, वो ऑटोनोमिकली हो रहे हैं, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा ब्रेन, जो कि सेंटर है इसका नर्वस सिस्टम का, ठीक है, ये एक वाइटल ऑर्गन है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये रेगुलेट करता है इंटरनल सिस्टम को, रिप्रोडक्शन को, सेंसेशन को, और जितनी भी मोटर मोशंस होती हैं, ठीक है, अडॉप्टेशन होती हैं इन्वायरमेंट के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है,
जो एवरेज अडल्ट है ह्यूमन ब्रेन का वो 1.3 to 1.4 kg है, ठीक है, इसका ये वेट है। और इसमें नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में, बिलियंस ट्रिलियंस। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है उसमें कौन कौन से आ जाती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। जो मिड ब्रेन है उसमें टेक्टम, टेगमेशन एंड टेगमेंटम, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड सबस्टेनिया निग्रा। आगे है हमारे पास हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में आ जाएगा सेरिब्रम एंड पॉन्स, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। और जो है ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम जो है ये क्या है, ये लोकेट करते हैं अंडर नीथ लिम्बिक सिस्टम, यानी ब्रेन स्टेम की तरह। ये इनके चार स्ट्रक्चर हैं नेक्स्ट, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मेडोला, पॉन्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड थैलेमस। सबसे पहले देखेंगे मेडोला ऑब्लॉन्गेटा, इसमें ये कहाँ पे है, ये टॉप पे है स्पाइनल कॉर्ड के, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है इसके जो बिल्कुल टॉप पे है ये मेडोला है, ठीक है। ये डैमेज अगर हो जाए तो क्या होता है, हमारा सांस, हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, फिर इंसान की डेथ हो जाती है सडनली, ठीक है। कंटेन्स असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, जितनी भी हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग जितनी फॉर्मेशन जो आ रही है दिमाग, वो भी यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, मेडोला से। अब इसके तीन सेंटर्स है, एक है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, एक है रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि सांस को कंट्रोल कर रहा है, एक है वेजोमीटर सेंटर जो कि रेगुलेट कर रहा है ब्लड वेसल्स को। आगे आता है पोन्स, पोन्स क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है ब्रिज की तरह, यानी ब्रिज एक पुल की तरह है पोन्स। ये स्पाइनल कॉर्ड है और दिमाग के दरमियान है, ठीक है। पोन्स एक रिले स्टेशन है जो कि सिग्नल को भेजेगा दिमाग की तरफ। आगे रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये क्या है, इसमें ये रीजन है रनिंग थ्रू द मिडल टू हाइंड ब्रेन, ये एक डेंस नेटवर्क नर्व सेल्स का है, ये ब्रेन को अलर्ट रखता है ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं अचानक कोई शोर, हम किस तरह उठ सकते हैं, वो ब्रेन को अलर्ट कर रहा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन स्लीप से, अरोयल से, ठीक है। आगे थैलमस, द पेयर ऑफ एग शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एग शेप की स्ट्रक्चर की तरह एक पेयर होता है, ठीक है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आ रही होती है अप्रोप्रिएट, वो तमाम इनको प्रोसीड कर रहा होता है यहाँ पे। थैलमस जो एक रिले सेंटर के तौर पर ये भी काम कर रहा है, जितनी भी सेंसरी स्विच बोर्ड हैं ये मैसेज को यहाँ पे सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा सेरिब्रम से मेडोला के दरमियान। आगे सेरिबेलम, एक सेरिब्रम है और एक सेरिबेलम है। ये सेरिबेलम जो है ये लैटिन वर्ड लिटिल ब्रेन की तरफ से आया, ये भी एक लिटिल ब्रेन की तरह है जो ब्रेन स्टेम में मौजूद है, ठीक है। ये इसका वेट जो है वो 10% है पूरे ब्रेन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जितनी भी कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती हैं, जो हमारा चलना फिरना, अगर सेरिबेलम जो है ये काम करना छोड़ दे तो ना कोमा में चला जाता है, ठीक है। वो अपना ना तो वो कोऑर्डिनेशन उसमें हो रही होती है, ना बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। ये सेरिबेलम जो है बहुत अहम पार्ट है। आगे आ जाता है लिम्बिक सिस्टम, ये एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर, लिम्बिक सिस्टम जो रेदर देन ओल्ड, ये इसको हम एवोल्यूशनरी क्यों कहते हैं, कि बाद में इसको हमने आइडेंटिफाई किया था, इसमें इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा फियर एग्रेशन आ जाता है, हमारा हंगर, सेक्स रेगुलेट हमारा करता है, बॉडी टेम्परेचर, हमारी ब्लड शुगर लेवल, इसलिए इसको हम लोग इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। आगे स्ट्रक्चर इसका लिम्बिक सिस्टम का, सबसे पहले आ जाता है हिप्पोकैम्पस, देन अमिग्डला और हाइपोथैलेमस। अमिग्डला क्या है, ये टू आलमंड की शेप की तरह होता है, ठीक है, जैसे दो आलमंड पड़े हों, ठीक है, बादाम। और ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एग्रेशन को और फियर को, हमारे गुस्से को और हमारे खौफ को। आगे हिप्पोकैम्पस जो है ये भी पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, जिसमें मेमोरी और लर्निंग है हमारी, जितनी भी हिप्पोकैम्पस में जा रही होती है, ठीक है, जितना हम लर्न कर रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, और जो हाइपोथैलेमस है ये सेवरल न्यूक्लाई के साथ मिलकर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा, ये हमारे टेम्परेचर को, हमारी थर्स्ट को, हंगर को, बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का बहुत अहम काम है साइकोलॉजी में, ठीक है। आ गया होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है इंटरनल इक्विलिब्रियम इसको कायम करते हैं हम लोग, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 तो उसको हमने जब हम उसको बैलेंस रखते हैं तो वो होम्योस्टेसिस कहलाता है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। सेरिब्रम आ गया हमारे पास, सेरिब्रम क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। ये 2 to 3 ब्रेन का टोटल मैस जो है ये ऑक्यूपाई करता है सेरिब्रम। अब इसका क्या काम है, इसको बिल्कुल भी सेरिबेलम के साथ जो है वो मिक्स नहीं करना। ये रेगुलेट करता है ब्रेन के हायर कॉग्निटिव और इमोशनल फंक्शन को, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कॉग्निटिव सिस्टम, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आता है बार्क लव्ड से, ठीक है। बार्क यानी मतलब है कवरिंग, ये एक शीट है 1 to 10 inch की थिकनेस, 30 billion नर्वस सेल्स इसमें मिलके बने होते हैं। सलाई और गेरस क्या, सल की
सल्कस से मिलकर ये बना है, यानी स्मॉल ग्रूव्स, और गायरी क्या है, ये लार्ज ग्रूव्स यानी फिशर्स। ग्रे मैटर क्या है, हमारे अंदर एक ग्रे मैटर होता है दिमाग के अंदर, ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। आगे वाइट मैटर क्या है, वाइट मैटर जो है ये लार्ज मेलन की ये टिश्यू के अंदर बहुत ज़ाहर होता है, वाइट वाइट की तरह अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। जो सेरेब्रल लोब्स हैं इसमें फ्रंटल लोब आ जाता है, पैरिटल लोब आ जाता है, और टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल। फ्रंटल जो है कि फ्रंट पे होगा, रीजनिंग और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग जो है इससे हो रही होती है, ठीक है। और जो पैरिटल ये परसेप्शन पे काम देता है, और रिकॉग्निशन पे और ओरिएंटेशन पे। आगे टेम्पोरल लोब जो है ये जितनी भी ऑडिटरी स्टिमुलाई और मेमोरी और स्पीच होते हैं ये इस पर काम कर रहा है, जितनी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, टेम्पोरल हो। ऑक्सिपिटल लोब जो है ये विजुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, हमारी देखने के और तमाम चीज़ें। आगे क्रेनियम, क्रेनियम क्या है, जो ब्रेन जिस कैविटी के अंदर इनक्लोज है हमारा स्कल पूरे का पूरा, वो क्रेनियम कहलाता है। ये दो पैरिटल बोन्स से मिलके बना होता है, और एक फ्रंटल बोन से और एक टेम्पोरल बोन से, ठीक है, दो टेम्पोरल बोन से और एक ऑक्सीपिटल और एक स्फीनॉइड बोन से और एक एथमोइड बोन से, ये इतनी बोन्स मिलके ये क्रेनियम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।